तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो लाइक नॉर्मल किसी ने तो बना दी है। अभी सच्ची कह रहा हूँ यार, मतलब ये इंसान के लिए मुझे इतने गुस्सा आ रहा है ना, मुझे मैं हंस रहा हूँ लेकिन सच्ची में इनसाइड मी बहुत गुस्सा आ रहा है। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। एंड यार मतलब बहुत ऐसी कुछ अभी चीजें फैल रही है। एंड गाइस ये सब लाइक पबजी मोबाइल वालों के वजह से हुआ है। किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा मेरी गलती है। मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। ये किसको बोला पागल? कौन पागल? मैं पागल। किसको बोला पागल? भाई साहब मैं पागल। नहीं मैं पागल। नहीं नहीं मैं पागल। नहीं नहीं मैं पागल। एक मिनट। What is going on? Welcome back guys to the channel and ये video में guys मैं आपको कुछ interesting चीज दिखाने वाला हूँ। And earlier जो मेरी video थी कल की शाम की, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि एक जो leak footage है वो leak हुई थी and वो probably अभी fake है। And मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों fake है। And of course वो fake ही है, but वो like literally guys इतने अच्छी तरीके से बनाई थी ना, कि मतलब अच्छी तरीके से इन द सेंस लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं था वो, क्योंकि भरोसा रखना। और जो स्टार्टिंग के एनिमेशन थे, आई मीन सच्ची में लाइक मैंने तो भरोसा रख लिया था। बट उसके बाद गाइस आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आए एंड उसके बाद मैंने भी वीडियो बहुत गौर से देखी, बहुत कुछ कंपेयर किया एंड उसके बाद मुझे भी पता चला कि हाँ भाई ये फेक ही है, ये कुछ रियल नहीं है। तो अभी मैं गाइस आपको वो कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। मे बी आपको पता हो सब कुछ, लेकिन मे बी आपको एक दो पॉइंट्स नहीं पता हो। एंड ऑल्सो अगर मैंने कुछ मिस आउट किया तो डेफिनेटली मुझे भी बता देना कि मैंने क्या मिस आउट किया इसमें। बट गाइस मैं आपको एक और बार आपको बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में कौन सी लीक फुटेज थी वो, अगर आपने देखी नहीं है मैं अर्लियर की वीडियो। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो लाइक नॉर्मल किसी ने तो बना दी है। अभी सच्ची कह रहा हूँ यार, मतलब ये इंसान के लिए मुझे इतने गुस्सा आ रहा है ना, मुझे मैं हंस रहा हूँ लेकिन सच्ची में इनसाइड मी बहुत गुस्सा आ रहा है। एंड यार मतलब बहुत ऐसी कुछ अभी चीजें फैल रही है। एंड गाइस ये सब लाइक पबजी मोबाइल वालों की तरफ से ही हुआ है, पबजी मोबाइल वालों के वजह से हुआ है, उनकी तरफ से नहीं लेकिन उनके वजह से हुआ है। क्योंकि जैसे आपको पता है यार, कमिंग सून देकर अभी ये लोग गायब हो गए हैं एंड इतना टाइम हो गया, मतलब लाइक कुछ इमोशंस के साथ खेल रहे सच्ची देखा जाए तो इंडियन लोगों के साथ। क्योंकि कमिंग सून डाला एंड उसके बाद क्या इंस्टाग्राम पे और कुछ पोस्ट नहीं है, ना ही वेबसाइट पे कुछ है। एंड जो भी हमें पता चलता है यू नो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कुछ डिले हो रहा है, कुछ नया लॉ आया या फिर यू नो काइंड कुछ भी डिले होता है, तो मतलब नेक्स्ट जो है जैसे कि कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स उनकी तरफ से पता चलता है। एंड अभी उनको भी कहां से पता चलता है भगवान जाने। तो गाइस मतलब जो इंटरेक्शन की लेवल है ना, वो मतलब लाइक लिटरली जीरो हो चुकी है पबजी मोबाइल कम्युनिटी एंड विद द प्लेयर्स। एंड हमें जो भी ऐसे पता चलता है कि बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं उनको ही कुछ तो खेलने का मौका मिला, वो भी यू नो सर्वर्स रन अप नहीं हो रहे, मेक सेंस। बट यार मतलब नॉर्मल प्लेयर्स का क्या, आई मीन कुछ तो यू नो हिंट दो या फिर कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो कि हाँ भाई अभी प्रोसीजर फंसा है, लेकिन कमिंग सून इतने पहले अभी देकर ये लोग भी फंस गए हैं एंड अभी जो है भुगत रहे ये, क्योंकि बहुत सारी गालियां पड़ रही है। एंड इसी की वजह से गाइज ये जो ऐसे लोग है ना जो ऐसे क्रिएट करते हैं फेक चीजें एंड देन लाइक रूमर स्टार्ट हो जाता है। देखा जाए तो पबजी मोबाइल वालों की ही गलती है इतना डिले हो रहा है। अगर ये प्रोसीजर इतना ही बड़ा होने वाला था तो एटलीस्ट वो लोग कमिंग सून करके ऐसे कुछ यू नो लाइक हाइप क्रिएट नहीं करते। बट यार पबजी मोबाइल है, उनकी हाइप क्रिएट करने की आदत कभी जाएगी नहीं। एंड सच्ची कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल ये हाइप क्रिएट करने वाली आदत ही इन्हें नीचे लाएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो यहाँ पे गाइस मैं आपको कुछ अभी प्रूफ दिखाता हूँ जो कि रीडायरेक्ट करता है कि ये चीज फेक है। एंड स्टार्टिंग में फॉर द लोडिंग स्क्रीन ऑफ दैट माइक्रोसॉफ्ट अजूर एंड देन यू नो ब्लू होल या फिर कैप्टन कंपनी, उसमें तो मुझे कुछ घपला नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद जो घपला आता है वो है लोडिंग स्क्रीन में, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। एंड मेरे पास अभी दो स्क्रीनशॉट्स है, एक स्क्रीनशॉट जो है वो इस वीडियो का है यू नो फेक वाली वीडियो का, एंड दूसरा जो स्क्रीनशॉट है वो ग्लोबल वर्जन का है जो मैं अभी खेलता हूँ या फिर आप भी खेलते हो। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको एक ओल्ड वाला दिखाता हूँ, ओल्ड वाला इन द सेंस फेक वाला जो है उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो नॉर्मल है पबजी मोबाइल या फिर प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड इंडिया, ओके एडिटेड फेक कर दिया है। एंड अभी गाइस ध्यान से देखना जो कि वो लोडिंग लोगो है, लोडिंग लोगो देख रहे हो जहाँ पे वो इंसान जो है भागता है। अभी ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, आप लाइक नॉर्मल क्लिप भी देख सकते हो बैकवर्ड करके। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो गाइस, आप देख सकते हो काइंड ऑफ ब्लर्ड आउट है। एंड ये जो है गाइस ग्रीन स्क्रीन यूज करके कुछ तो मेल्ट इन किया गया है या फिर ब्लेंड किया गया है। बट एक चीज इसमें ध्यान देना, जो कि ये लोगो ये देख रहे हो लोडिंग का लोगो, ये सर्कुलर में है एंड यहाँ पे वो जो बंदा है वो यू नो वो भागता है, उसका एनिमेशन है, तो ये वैसे काइंड का लोगो है। एंड ये लोगो ये ओल्ड वर्जन में है,
लाइक जब ही 1. आई थिंक जब ये सीरीज चालू हुई वर्जन 1.0 की, तो तब से जो लोगो है वो चेंज हुआ है, जो कि आई थिंक सप्लाई ड्रॉप का है। मैं आपको वो भी अभी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो कि अपडेटेड वर्जन का है, एंड इसमें वो लोडिंग का लोगो देखना गाइस। तो ये देखकर भाई मैं शॉक हो गया कि इसका जो लोडिंग का लोगो है ये इतना ओल्ड क्यों है। यू नो, जो नॉर्मल इंसान है वो भाग रहा है। उसके बाद लाइक मुझे कन्फर्म हो गया कि आगे का भी जो मैं देखने वाला हूँ या फिर आगे का जो भी है वो सब फेक है, एंड वो भी मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना गाइस, ये जो ट्रांजिशन है ना, ये लोडिंग स्क्रीन के बाद जो ये इंसान जो लॉबी में जाता है उसका ट्रांजिशन देखना। जब भी वो ट्रांजिशन होता है तो नॉर्मल जो है लोडिंग स्क्रीन जो है या फिर ये जो आप जो भी आप पॉपअप वगैरह देख रहे हो ना, इसके बाद जो है ये बंदा जो है जब ये लोड हो जाता है तो आप इसके नीचे देखना, ये आई थिंक आईफोन यूजर है या फिर एप्पल यूजर है, क्योंकि इसके बॉटम में अभी मुझे पता नहीं एप्पल यूजर नहीं, लेकिन आई थिंक एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी वो काइंड ऑफ आ गया है कि नो होम पेज का जो जेस्चर्स होता है या फिर होम पेज का बटन होता है। सो वो गाइस आप इस क्लिप में देख सकते हो कि जब भी वो लोड हो जाता है गेम में तो वो एक बार देखने को मिलता है जो कि होम स्क्रीन का है। तो जब ये पे आप नीचे से स्वाइप करोगे तो आप होम में चले जाओगे। तो भाई मतलब ये देख के तो मैं पक्का हो गया, क्योंकि लोडिंग स्क्रीन में भी मुझे कुछ घपला दिखा। बहुत सारे लोगों ने आपने कमेंट किया कि भाई जब भी आप गेम ओपन करते हो ना, गेम जो है चेकिंग फॉर अपडेट्स, ऐसा एक कुछ ना कुछ तो यू नो लोड होता ही है। एंड मैं भी वो श्योर हो गाइस, क्योंकि मैंने भी जब भी गेम ओपन किया है वैसी लोडिंग स्क्रीन आती है कि वहाँ पे एक पॉपअप आता है या फिर पॉपअप नहीं लेकिन एक स्क्रीन आती है जहाँ पे वो चेक करता है कि अपडेटेड है या नहीं गेम, जस्ट अपडेट किया हो लेकिन फिर भी अभी आप गेम ओपन करते हो तो आपको फिर से वो दिखाता है कि चेकिंग फॉर अपडेट्स, एंड इसमें वो नहीं है। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ट्रांजिशन यू नो लाइक लोडिंग स्क्रीन के बाद जब ये लॉबी में जाता है वहाँ पे काइंड ऑफ होम का जेस्चर आता है या फिर होम जेस्चर का बटन आता है, तो उसके बाद तो मैं कंफर्म ही हो गया क्योंकि लोडिंग स्क्रीन में ऐसा कुछ बटन नहीं है। तो भाई जिसने भी बनाया है सच्ची में इतनी गालियां आ रही है ना तेरे लिए बेटा, भी क्या करूं, सब इसके ट्रेन में चढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोग बना रहे हैं फेक वीडियोस, क्या बोलूं यार आपको, यहाँ पे दिख ही रहा है। तो गाइस लोड होने के बाद लॉबी में तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, एंड इसके बाद भी बहुत सारी चीजें, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इवेंट, एंड अगर ये बेटा वर्जन होता तो इवेंट सेक्शन इसमें नहीं होता। मैंने ग्लोबल बेटा जो है बहुत खेला है, ग्लोबल बेटा क्या गेम फॉर पीस का भी बेटा खेला है। गेम फॉर पीस तो अलग ही बात है क्योंकि वो चाइनीज वर्जन है, उनका सब फिनिश प्रोडक्ट होता है, लेकिन ग्लोबल बेटा में कभी भी ये चीजें जो है ट्रिगर नहीं होती जैसे कि इवेंट सेक्शन। इवेंट सेक्शन कभी भी दिखाई नहीं देता बेटा वर्जन में, बट इस वर्जन में दिखाई दे रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आरपी सेक्शन भी अनलॉक्ड है, या लिटरली आरपी सेक्शन में एक लोगो दिख रहा है जिसका मतलब होता है कि आपको रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने हैं, वो भी फेक है। एंड जब ये बंदा मैप सिलेक्शन में जाता है तो ये जो है सीजन 16 का हमें लोगो देखने को मिलता है जो कि फिलहाल अभी चल रहा है। एंड गाइस वो बात तो छोड़ ही दो, लेकिन एक जो बड़ी चीज है वो है वर्ल्ड चैट। एंड लिटरली वर्ल्ड चैट में एक इंसान जो है मैसेज भेजता है या फिर जो भी है, पता नहीं वो क्या है मैसेज या फिर इन्विटेशन है, जिसकी लेवल है आई थिंक 67। What? Literally, I mean, 67 लेवल का बंदा PUBG मोबाइल इंडिया के बेटा में इसने मतलब इतना कैसा आगे बढ़ गया, राइट? आप वही सोचोगे, तो ऑफ कोर्स फेक है, दैट्स इट। तो बस गाइस आपको ये चीजें बतानी थी, एंड और भी आप लोगों ने बहुत सारी कुछ चीजें फाइंड आउट की। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेनली वो है जब आप ये देखते हो क्लिप में PUBG मोबाइल का इंडिया की जो स्क्रीन है गाइस, तभी आप देखोगे कि जो टॉप में है या फिर टॉप में मिडल में कहीं पे तो पैरेमो मैप में जो हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है चॉपर, वो अवेलेबल है। तो मतलब वो कैसे भाई इसमें, तो भाई सच्ची कह रहा हूँ फेक है, सब कुछ फेक है इसमें। जो भी देखा है अभी मुझे स्टार्टिंग की लोडिंग स्क्रीन वो भी मुझे फेक ही लग रही है, प्रॉब्ली आफ्टर इफेक्ट यूज किया होगा ट्रैकिंग के लिए। सो बस गाइस इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई नो मैंने कल जो वीडियो बनाई वो आपको बताई, और उसके बाद मैंने सोचा कि यार वो फेक है वो भी बताना मेरा फर्ज है, तो इसलिए मैंने आज आपको ये कुछ टिप्स या फिर ये आपको कुछ पॉइंट्स बताए। अभी इसमें से पॉइंट्स सब तो जितने भी मैंने आपको बताए सब लेजिट है, वो रीडायरेक्ट करते हैं कि ये फेक है। एंड अगर आपके पास भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैंने मिस आउट किए हैं एंड जो रीडायरेक्ट करते कि ये क्लिप फेक है, तो डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में। सो बस गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर और भी कुछ न्यूज आती है रिगार्डिंग टू दी ओरिजिनल पबजी मोबाइल इंडिया तभी मैं आपको मिलूंगा, अदरवाइज मैं फेक अभी यार मतलब सहन के बाहर जा रहे हैं मेरे तो अभी और भी मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा। एंड रियली सॉरी कल के वीडियो के लिए, बट अभी क्या करूं यार, मैं भी इंसान हूं, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल व्यूअर हूं, वो देख लिया एंड लाइक ट्रस्टिंग लगा मुझे क्योंकि HD क्वालिटी में है, एंड मैंने भरोसा रखा क्योंकि वो बेटा वर्जन था, आई मीन वहां पे पॉपअप में लिखा था बेटा। एक और चीज मैं कहना भूल गया जो कि है रिलेटेड अबाउट द क्लोज, क्लोज का भी पॉइंट मैं आपको बोलना भूल गया क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख रहे हो जो बंदी है या फिर जो फीमेल कैरेक्टर है उसके क्लोज जो है रिमूव्ड है। एंड इंडियन वर्जन में ऐसा बोला गया था, कंपल्सन टॉपिक था या फिर कंपल्सन पॉइंट था कि जो डिफॉल्ट क्लोज होने वाले वो कंपल्सरी होने ही वाले है, आपको जो कैरेक्टर है वो नंगा नहीं हो सकता, बट इसमें वो है वो भी कैसे है बिकॉज इट्स फेक। सो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली लाइक करना, एंड अगर आप नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर जाना, एंड इसी के साथ नोटिफिकेशन की जो बेल है वो भी क्लिक कर देना। आपसे मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।
Thanks for watching.